हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आज होगी फ्लूइड मैकेनिक्स की रिवीजन, तो मैं फ्लूइड मैकेनिक्स के रिवीजन के लिए आ गया हूँ। ठीक है, वैसे मुझे पता है कि आपको बाकी भी लेक्चर करने होते हैं और शाम को भी आपका लेक्चर होगा, तो रिवीजन को मैं ज़्यादा ज़्यादा खींचूंगा नहीं। ठीक है, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा इसके बारे में, मतलब एटलीस्ट थोड़ा सा तो पढ़ाई होगा, है कि नहीं? ओके, तो हेलो अरविंद, वैष्णवी, फरीन, विनया, जानवी, यशिका, गाथा, अभिमन्यु, सारंग। एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा ये जो कलर करेक्शन है ना, यही कर रहा था मैं अभी, इसलिए वक्त लग गया मेरे को। थोड़ा कलर्स को थोड़ा ठीक कर लेता हूँ मैं, सो इट विल लुक गुड। ओके, अब सही दिख रहा है, एकदम क्लियर। ओके, चलो अब एकदम सही है। ओके, पवन इज सेइंग बोर्ड पे लो ना सर। बेटा अभी ये तुम मुझ पे छोड़ दो कि मुझे कौन सा लेक्चर बोर्ड पे लेना है और कौन सा लेक्चर आईपैड पे लेना है, क्योंकि 50-50 डिवीजन है सब लोगों में। सर प्लीज एक्यूरेट आणि प्रिसाइज यातला कन्फ्यूजन दूर करून द्या। ओके बेटा, ठीक है। सारंग ने एक क्वेश्चन पूछा है, वैसे वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन अच्छा है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल सा डाउट है, कॉमन डाउट होता है कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या फ़र्क है। ये एक्चुअली दोनों मेजरमेंट्स के टर्म्स है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, देन आई विल स्टार्ट फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है सारंग, बाय द वे डाउट तुम्हारा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया, क्योंकि मैंने अभी तक फ्लूइड का रिवीजन शुरू ही नहीं किया है। अभी मैं फ्लूइड का रिवीजन शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, सो एवरीबॉडी पे अटेंशन। फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। देखो, इफ यू डू सर्टन एक्सपेरिमेंट 10 टाइम्स, इफ यू परफॉर्म सर्टन एक्सपेरिमेंट 10 टाइम्स, 10 बार अगर किसी एक्सपेरिमेंट को तुमने परफॉर्म किया, तो लेट अस से आपको लेंथ कैलकुलेट करनी थी, तो लेंथ आपकी 10 सेंटीमीटर है, तो आप क्या करते हो, 10 10 बार एक्सपेरिमेंट करके उसका सर कल रिवीजन करते हुए कंफ्यूजन आ रहा था। ओके बेटा, एक्सप्लेन कर देता हूँ। 10 बार अगर आप किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करोगे, उसकी वैल्यू निकालोगे, और लेट अस से उसकी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो कभी आपको मिलेगा 10.5, कभी मिलेगा 10.1, कभी मिलेगा 9.5, कभी मिलेगा 9.9, तो तुम ऐसी जो 10 वैल्यूज मिलेगी उन सबका तुम एवरेज निकालोगे। तो ये वैल्यूज अगर एक दूसरे के पास आ गई, तो इसका मतलब प्रिसीजन ज्यादा है तुम्हारा। तुम्हारी एरर अगर कम आ गई, एवरेज एरर वो कम आ गई, तो यू समझ लो कि तुम्हारा प्रिसीजन ज्यादा है। ठीक है, और एक्यूरेसी देखो क्या होता है कि ये तुम्हारी वाई वैल्यूज है और एक्स तुम्हारा एक्सपेरिमेंटेशन है। या तो तुम्हारी वैल्यूज ऐसी स्प्रेड हो सकती है, या तुम्हारी वैल्यूज ऐसे स्प्रेड हो सकती है, तो ये ज्यादा प्रिसाइज है, ये लेस प्रिसाइज है। ठीक है सारंग, इतने में समझ में आ गया? नहीं आया तो मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। मीना जी सिंह, बफरिंग हो रहा है। बफरिंग का क्या करें, अभी मेरे तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं दिखा रहा इधर। सर स्ट्रीम बीच में रुक गई थी, अभी नहीं ना कोई दिक्कत, चलो ठीक है। अरे ये बाद में डिस्कस कर लेंगे सारंग, ये थोड़ा सा मेरे को टाइम लगेगा 5 मिनट इसको एक्सप्लेन करने में। प्रिसीजन का मतलब है तुम्हारी हर एक्सपेरिमेंट में एरर कम है, और एक्यूरेसी का मतलब है तुम्हारी फाइनल वैल्यू तुम्हारे एक्चुअल वैल्यू के बहुत नजदीक होना। ये दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक है, ओके, चलो फ्लूइड मैकेनिक्स पे आते हैं भाई। फ्लूइड मैकेनिक्स आज का टॉपिक है, फ्लूइड मैकेनिक्स। अभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डाउट्स मुझे पूछो मत, अभी इस टॉपिक पे ध्यान दो। जहां तक मुझे पता है, E7 के जो स्टूडेंट्स है उनका ये टॉपिक हुआ नहीं है। ठीक है, ओके,
और जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं B6, E6 और A3, उनका ये टॉपिक ऑलरेडी हो चुका है। तो E7 के जो बच्चे हैं वो इसको पहली बार पढ़ रहे हैं और बाकी के जो बच्चे हैं वो दूसरी बार। ठीक है, जो दूसरी बार पढ़ रहे हैं वो बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेंगे। जो E7 के बच्चे उनको उनको भी मैंने कहा था कि थोड़ा सा पहले देख लो, ऐसा नहीं कि वो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन्होंने इसके बारे में सुना भी है, फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में, इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी सुना है। तो आई डोंट थिंक यू विल फेस एनी डिफिकल्टी, चैप्टर ईजी है। तो इसमें हमें क्या क्या देखना है, देखो फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या क्या है। फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे पहले हमें पास्कल्स लॉ देखना पड़ेगा, ठीक है, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, पास्कल्स लॉ, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और बैरोमीटर और मैनोमीटर, ये सब हमें पहले देखना पड़ेगा। तो आज मैं ये समझाऊंगा, बैरोमीटर और मैनोमीटर, पास्कल्स लॉ और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। फिर सेकंड तुमको देखना पड़ता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और इसका एप्लीकेशन। भले ही ये सिलेबस में शायद हो ना हो, लेकिन इसका इसके एप्लीकेशंस तो लगते ही है। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आता है यशिका, डोंट आस्क मी सिली क्वेश्चंस, आई एम नॉट अ एजुकेशन मिनिस्टर, सो हाउ वुड आई नो तुम्हारी नीट कब होगी। हाँ ओके, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बाद फिर हमें देखना पड़ेगा, एक बार पास्कल्स लॉ हो गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, फिर उसके बाद पढ़ेंगे अपन देखो विस्कोसिटी, विल स्टडी विस्कोसिटी, विस्कोसिटी के साथ साथ स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ के बाद हम पढ़ेंगे स्टोक्स लॉ के बाद टर्मिनल वेलोसिटी, ये वाले कॉन्सेप्ट्स। ओके, ये तीसरा पार्ट है। और फोर्थ टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा पॉइज़िली फ्लो एंड एंड बर्नौलीज़ प्रिंसिपल, बर्नौलीज़ प्रिंसिपल एंड पॉइज़िली फ्लो इक्वेशन। ये चार चीजें हमें देखनी है भाई, ये चार चीजें हमें देखनी है यार। इंटरनेट कनेक्शन वीक है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता यार। इंटरनेट कनेक्शन जो अपलोड स्पीड है ना वो कम है, तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बफरिंग हो रहा है ना, एक मिनट रुको। ओके, रुको, मुझे मोबाइल में देखने दो, सब कुछ सही चल रहा है क्या। सही चल रहा है भाई सब कुछ, मोबाइल का मैं यहाँ पे लगा के रखता हूँ, सो आई विल बी एबल टू नो बफरिंग कब हो रही है कब नहीं हो रही है। हाँ,
तो मैं क्या बोल रहा था आप लोगों को, आई वॉज टेलिंग यू कि फ्लूइड मैकेनिक्स में हमें क्या क्या स्टडी करना है, पास्कल्स लॉ, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, ये मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये मैं कल एक्सप्लेन करूंगा। फिर विस्कोसिटी, स्ट्रोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, ये फिर परसों एक्सप्लेन करूंगा। और बर्नौलीज प्रिंसिपल एंड पॉइज़न्स फ्लो इक्वेशन, ये उसके अगले दिन एक्सप्लेन करूंगा। तो अपनी रिविजन पूरी हो जाएगी, फिर अपन इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? ओके, चलो भाई अब सब कुछ क्लियर है, अब कोई बफरिंग वफरिंग नहीं है। ओके, देखो तो मुझे आपको क्या क्या एक्सप्लेन करना है, मैं सब कुछ बोल देता हूं आप लोगों को। देखो भाई, सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करने वाले वो है पास्कल्स लॉ। व्हाट इज पास्कल्स लॉ? पास्कल्स लॉ से पहले मैं आपको बोल दूं व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कि भाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है। E7 के बच्चे क्लियरली देखो, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, इमेजिन करो कि ये आपका फ्लूइड है, ये एक टैंक है और टैंक का ये बेस है, ठीक है? और इसमें ये एक लिक्विड कॉलम इमेजिन करो, ये जो लिक्विड कॉलम है इसका बेस का एरिया कितना है, बेस का एरिया लेट अस से ए, और लिक्विड कॉलम की हाइट कितनी है, एच। तो लिक्विड कॉलम का जो वेट है वो उस एरिया पे गिरेगा ना, तो लिक्विड कॉलम का वेट कितना होगा, इसका वेट होगा, देखो वेट होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, एम जी। वेट कितना होता है, एम जी, एम इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इसकी डेंसिटी कितनी होगी, इसकी डेंसिटी लेट अस से रो है। इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम होगा भाई एरिया इंटू हाइट, ठीक है? तो ये आएगा रो इंटू एरिया इंटू हाइट इंटू जी, ये आपका वेट है, ये पूरे कॉलम का वेट है ये। और ये भाई पूरे कॉलम का वेट जो गिर रहा है ना वो यहां पे गिर रहा है, तो यहां पे प्रेशर कितना आएगा, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो भाई फोर्स कितना है, रो ए एच जी, ये जो मैंने यहां पे निकाला वेट डिवाइड बाय एरिया ए, ए ए कैंसल, तो प्रेशर कितना आता है, रो एच जी या फिर रो जी एच, इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये समझ में आ गया आप लोगों को, अंडरस्टूड? E7 के बच्चों लिख लो, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं फटाफट फटाफट फास्ट लिख लो, और बाकी सब लोग तुम्हें लिखना है तो तुम लिख सकते हो या फिर ध्यान दो बस केयरफुली। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, रो जी एच। अभी पास्कल्स लॉ का मतलब क्या है, देखो पास्कल्स लॉ ने, पास्कल जो है ना, ब्लेज़े पास्कल, वन ऑफ द ग्रेट फिलोसोफर, वेस्टर्न फिलोसोफर ब्लेज़े पास्कल, पास्कल ने यह बताया था कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, ये प्रेशर हर पॉइंट पे वाटर के अंदर या फिर किसी भी फ्लूइड के अंदर फ्लूइड प्रेशर जो होता है वो ऑल डायरेक्शन में लगता है। फ्लूइड प्रेशर एट एनी पॉइंट इन फ्लूइड एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि ये आपका, इसके अंदर फ्लूइड है, ठीक है? तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर होगा पी इज इक्वल टू रो जी एच। इसकी हाइट कितनी है, ये हाइट है एच, देख रहे हो? तो प्रेशर होगा रो जी एच। अब ये जो प्रेशर है ना, पास्कल का ये कहना है कि प्रेशर सारे डायरेक्शन में लगता है, ऑल डायरेक्शंस। फ्लूइड प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस, तो फ्लूइड का प्रेशर सारे डायरेक्शन में लगता है, ऑल 360 डिग्री, सब डायरेक्शन में, मतलब नीचे भी लगेगा, ऊपर भी लगेगा, साइड भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर आप अपना हाथ पानी के अंदर डूबते हो या फिर कोई भी चीज आप पानी के अंदर लेके जाते हो, इफ यू टेक एनीथिंग इनसाइड वाटर, अगर आप पानी, ये पानी ऐसा, और किसी चीज को आप ऐसे लेके गए, इस पे इस डायरेक्शन प्रेशर लगेगा, किसी चीज को आप ऐसे लेके गए, इसको इस डायरेक्शन प्रेशर लगेगा, ऐसी चीज है इस पे इधर प्रेशर लगेगा, तो प्रेशर सारे डायरेक्शन में लगता है। पास्कल का लॉ क्या कहता है, कि प्रेशर
सारे डायरेक्शन में लगता है, दैट इज पास्कल्स लॉ। अब पास्कल लॉ का एक एप्लीकेशन मैं आपको बोल देता हूँ फटाफट। पास्कल लॉ का एक एप्लीकेशन है हाइड्रोस्टैटिक हाइड्रोलिक लिफ्ट, सॉरी हाइड्रोलिक लिफ्ट। देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रिंसिपल क्या है, समझो इस बात को। क्या करते हैं, इमेजिन करो ये वाला एरिया जो है ना, अपने हाथ का एरिया कितना होगा, इमेजिन करो कितना होगा, ये होगा लेट अस से 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर, और ये होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है 5। एक काम करो, ये 10 ले लो, ये 10 ले लो, चलो 10 बाय 10 लेते हैं, तो 10 बाय 10 कितना होगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है ऐसे, और फिर इसको ये कनेक्टेड होता है इसको, ये मेरे पीछे जा रहा है, हाँ इसको कनेक्टेड है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, और यहाँ का जो एरिया है, तो आपको पता है जनरली एक छोटे कार की लेंथ कितनी होती है, कार की लेंथ होती है जनरली 5 मीटर के आसपास। तो इमेजिन करो कि या बड़ी कार होगी तो 5 मीटर से ज़्यादा होगी, 6-7 मीटर। तो कार को खड़ा करने के लिए जो एरिया लगती है, लेट अस से यहाँ पे एक कार है, और उस कार को यहाँ पे खड़ा किया ऐसे, ठीक है, तो ये जो एरिया है इमेजिन करो, ये एरिया है 10 बाय 10 का ले लो, चलो 10 मीटर बाय 10 मीटर, 5 मीटर बाय 10 मीटर लेते, 5 मीटर बाय 10 मीटर, तो 50 मीटर स्क्वायर का एरिया है, कितना एरिया है 50 मीटर स्क्वायर का, और ये फ्लूइड से कनेक्टेड है, ठीक है। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या बोलता है, कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सारे डायरेक्शन में लगता है, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है कि सेम हाइट पे सेम होता है, तो ये दोनों की हाइट सेम है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा P1 वही प्रेशर यहाँ पे होगा P2, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम हाइट पे है, तो सेम हाइट पे सेम प्रेशर लगता है। अब सेम हाइट पे सेम प्रेशर लगेगा, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, लेट अस से यहां का प्रेशर है P1 और यहां पे जो प्रेशर लगेगा वो P2, तो यहां पे जो भी प्रेशर आप लगोगे वो इधर से लगा के ऐसे इधर लग जाएगा ना, क्योंकि यहां का प्रेशर इधर भी लगेगा, यहां का इधर भी लगेगा, यहां का इधर भी लगेगा, यहां का इधर, क्योंकि सारे डायरेक्शन में लगना चाहिए ना वो प्रेशर, तो फ्लूइड का प्रेशर ट्रांसमिट होगा, यू समझ लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं प्रेशर फ्लो होता है, प्रेशर फ्लो नहीं होता, मैं बोल रहा हूं कि अगर आप इस पॉइंट पे प्रेशर बढ़ाओगे तो इस पॉइंट पे बढ़ेगा, इस पॉइंट पे भी बढ़ेगा, फिर तो इस पॉइंट पे बढ़ेगा क्योंकि प्रेशर साइडवेज भी लगता है, तो इस पॉइंट पे भी प्रेशर बढ़ेगा, इधर भी प्रेशर बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, और फिर इधर भी बढ़ेगा। अब देखो आपने यहाँ पे फोर्स लगा दिया, इमेजिन करो यहाँ का एरिया A1 और यहाँ पे फोर्स लगा दिया F1, तो P1 क्या आएगा, F1/A1, और यहाँ पे डाउनवर्ड इसका वेट कितना, mg, ठीक है, तो यहां का प्रेशर क्या आएगा, P2 = mg/A2। तो लेट अस मुझे फाइंड करने दो कि एक कार को ऊपर उठाने के लिए कितने फोर्स की जरूरत है। अब एक कार का वजन कितना होगा भाई, एक कार का वजन यू पकड़ लो 1000 kg के आसपास पकड़ लो, वैसे 400-500 किलोग्राम होता होगा, 1000 kg पकड़ लो, 1000 kg, तो 1000 kg अगर कार का वजन पकड़ दो, ये प्रेशर और ये प्रेशर सेम है, F1/A1 = mg/A2, तो F1 = A1/A2 × mg। तुम्हारा A1 एरिया कितना है, ये A1 एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 × 10⁻⁴ m², तुम्हारा A2 एरिया कितना है, 50 मीटर स्क्वायर, 50 मीटर स्क्वायर, और mg कितना है, 1000 kg, और g कितना है, 10। वैल्यू पुट करो देखो कितना आता है, 0 और 0 कैंसिल, 5 से डिवाइड करोगे 20 × 10⁻⁴ × 10⁻³, 20 × 10⁻⁻¹, एम आई राइट, यस आई एम राइट, ये आएगा 2 न्यूटन। 2 न्यूटन, 2 न्यूटन पता है आप, 2 न्यूटन आप अपनी उंगली से भी लगा सकते हो, अपनी उंगली से भी 2 न्यूटन फोर्स लगा सकते हो, 2 न्यूटन फोर्स आप अपनी उंगली से भी लगा सकते हो,
समझे क्या? तो 2 न्यूटन फोर्स से आप पूरी कार उठा सकते हो, यू कैन लिफ्ट द होल कार। 2 न्यूटन का फोर्स आप इधर लगाओ, F1 की जगह पे लगाओ 2 न्यूटन, अपने आप कार पे प्रेशर लगेगा, वही प्रेशर P2 इधर लगेगा और पूरी कार आप उठा पाओगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों साइड में प्रेशर सेम है। रिया जी सही, यस यस यस। तो हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रिंसिपल समझ में आ गया ऑल ऑफ यू? हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रिंसिपल क्या है? पास्कल लॉ पे बेसिस से, पास्कल लॉ यही कहता है ना कि भाई प्रेशर ट्रांसमिट होता है। तो अगर ये एरिया है A1, ये एरिया है A2, इसमें है फ्लूइड, ठीक है, और ये सेम हाइट पे है, तो इधर का प्रेशर P1, इधर का प्रेशर P2, तो P1 इज इक्वल टू P2, तो इधर का फोर्स है F1, इधर का फोर्स है F2, तो F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रिंसिपल है। चलो लिख लो इसको, हाइड्रोलिक लिफ्ट। सर वो लिक्विड के पार्टिकल SHM परफॉर्म करते हैं क्या? नाला एक, तेरे को पास्कल लॉ पहले समझ लो तू, SHM में कहाँ कहाँ जा रहा है अभी। और मैंने कल कल भी बोला था आपको कि इररिलेवेंट क्वेश्चन मत पूछो जिसका कुछ कनेक्शन नहीं है इसके साथ। हाँ, तुम जो SHM की बात कर रहे हो ना, वो मैं समझ गया तुम क्या बोलना चाहते हो। अगर मैंने इसको छोड़ के ऐसे छोड़ अच्छा धक्का दे के छोड़ दिया, तो क्या ये ऐसे SHM परफॉर्म करेगा? करेगा, उसका टाइम फ्रेम निकालेंगे, वो आगे जाके आएगा, अभी नहीं। अभी ये समझो, ये समझ में आ गया? हाइड्रोलिक लिफ्ट F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, लिख लिया है सब लोगों ने? चलो मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया। थोड़ा मैं फास्ट ले रहा हूं, लेकिन जानबूझ के ले रहा हूं फास्ट, ठीक है? ओके, ये हो गया भाई हाइड्रोलिक लिफ्ट का। सर वो फ्लूइड वाटर होता है या कुछ अलग मटेरियल होता है? देखो तुम फ्लूइड यूज करो, फ्लूइड कौन सा है? फ्लूइड में तुम कुछ भी यूज कर सकते हो। फ्लूइड क्या? फ्लूइड होते हो, लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। तुम जो लिक्विड यूज करना चाहते हो वो कर सकते हो, जो गैस यूज करना चाहते हो कर सकते हो। सब तरफ से पैक होना चाहिए, बस लीकेज नहीं होना चाहिए कहीं पे। और दूसरी बात, वाटर इज मोस्ट कॉमनली अवेलेबल फ्लूइड ना, तो ये वही वाटर ही यूज करेंगे, इसलिए तो उसका नाम ही हाइड्रोलिक लिफ्ट है। हाइड्रोलिकली, हाइड्रो वर्ड कहाँ पे यूज करते हैं अपन? जहां पे वाटर होता है वहीं पे यूज करते हैं ना, ठीक है? तो पानी सबसे मोस्टली कॉमनली अवेलेबल फ्लूइड है, लेट अस से आफ्टर एयर। एयर एंड वाटर आर मोस्टली कॉमनली अवेलेबल फ्लूइड, सो आइदर वी यूज इन सच काइंड ऑफ एप्लीकेशंस, आइदर वी यूज एयर और वाटर। ओके, दूसरा फ्लूइड यूज करने की क्या जरूरत तुमको? वो उतनी क्वांटिटी भी लगेगी ना उसकी। अच्छा चलो, ये हो गया। अभी मैं आपको एटमॉस्फेयर प्रेशर के बारे में बोल देता हूं। लेट अस से दिस इज द अर्थ, ये आपकी अर्थ है, और अर्थ के ऊपर ऐसे एटमॉस्फेयर है। ऐसे एटमॉस्फेयर से सबसे ज्यादा डेंसिटी 10 किलोमीटर के हाइट पे ही है, ठीक है? ये अर्थ के अराउंड ऐसा एटमॉस्फेयर है, दिख रहा है सब लोगों को? ठीक है, अभी ये जो अर्थ के अराउंड जो एटमॉस्फेयर है, मतलब एयर है पूरी, तो तुम इमेजिन करो तुम यहां पे खड़े हो अर्थ के ऊपर, तो तुम्हारे सर के ऊपर ये एटमॉस्फियर है ना, एयर है ना तुम्हारे सर के ऊपर, तो वो एयर का प्रेशर तुम्हारे सर के ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा? डेफिनेट लगेगा। तो वो प्रेशर कितना लगेगा भाई? वही जो अपन ने फ्लूइड प्रेशर का फॉर्मूला निकाला, रो जी एच। इसमें सिर्फ रो क्या आएगी? डेंसिटी ऑफ एयर आएगी बस, रो क्या आएगी बस? डेंसिटी ऑफ एयर। फ्लूइड प्रेशर कौन सा प्रेशर? फ्लूइड प्रेशर। ये प्रेशर अगर तुम अर्थ के सरफेस पे कैलकुलेट करते हो, तो ये प्रेशर आता है, ये प्रेशर आता है पी नॉट, जिसको हम लेते हैं 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू होती है 101.325 किलो पास्कल। 101.325 किलो पास्कल, समझ में आ गया? ठीक है, ये फ्लूइड का प्रेशर है।
जो अर्थ के सरफेस पे, अगर तुम अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर चले गए तो ये प्रेशर फिर कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ऑलमोस्ट, स्पेस में ये प्रेशर नहीं है। समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो ये प्रेशर कम हो जाता है। इफ यू क्लाइंब अप अ माउंटेन, यहाँ पे ऐसा माउंटेन है, आप माउंटेन पे चढ़ गए तो आपको यहाँ पे प्रेशर कम महसूस होगा, कम होगा प्रेशर। इसलिए तो लोगों को ब्रीदिंग की डिफिकल्टी आती है जब आप माउंटेन पे चढ़ते हो, क्योंकि बाहर का प्रेशर जो है ना वो आपको सांस अंदर लेने में मदद करता है। बाहर का प्रेशर क्या करता है, अंदर हवा धकेलने में को आपकी मदद करता है। अब जो लोग माउंटेन पे जाते हैं तो बाहर का प्रेशर तो कम हो गया, तो हवा अंदर अंदर धकेली नहीं जाती, खींचनी पड़ती है हवा अंदर अंदर हवा खींचनी पड़ेगी, तो बंदा थक जाएगा ना बहुत जल्दी, थक जाएगा तो कुछ टाइम के बाद वो ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा, ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा तो भगवान के पास चला जाएगा। इसलिए तो जो लोग अमरनाथ की यात्रा पे जाते हैं वगैरह, आपको पता होगा उनका हेल्थ चेकअप होता है, अगर कोई किसी को ब्लड प्रेशर वगैरह का प्रॉब्लम है तो उसको एडवाइस करते हैं कि भाई भगवान के पास मत चले जाओ, नहीं तो भगवान तुमको बुला लेंगे वहाँ पे। तो ये होता है अगर तुम हाइट पे जाओगे तो, ठीक है। और जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है तो मेरे दिमाग में आ गया, जो कोरोना के सीरियस पेशेंट होते हैं उनको भी ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, तो उनको ब्रीदिंग में हेल्प करने के लिए वेंटिलेटर भी वही काम करता है, एयर पुश करता है अंदर, बस वेंटिलेटर का और कुछ काम नहीं है, एयर को अंदर पुश करना है और ब्रीदिंग में असिस्ट करना है, ठीक है। ओके सर, तुम्ही फार क्लोजली ऑब्जर्व केला असेल मंडीला। अरे मंडी इतके हाइट पर नहीं है, हिमाचल प्रदेश है हाइट पे लेकिन इतने हाइट पे नहीं है। और वो जो मंडी टाउन है ना, इट्स इट्स लाइक इन ए वैली, वैली यू अंडरस्टैंड वैली राइट, एका बाजूला डोंगर दुसऱ्या बाजूला डोंगर, सगळ्या बाजूला डोंगर, डोंगराच्या मध्ये येते टाउन। इट्स लाइक आम्ही डोंगरावर नव्हतो पण डोंगराच्या मध्ये होतो, म्हणजे डोंगरावर पण होतो म्हणा पण इतक्या उंचावर नाही। ओके तो ये हो गया एयर का प्रेशर। तो एयर आप इमेजिन करो, आपके पास ऐसा लिक्विड है, एक लिक्विड है ठीक है, और आपके पास एक ऐसी ट्यूब है, ट्यूब समझते हो आप सब लोग, टेस्ट ट्यूब। आपके पास एक ट्यूब है ठीक है, ट्यूब दिख रही सब लोगों को? ओके ऐसी आपके पास एक ट्यूब है। ओके इस ट्यूब में से आपने पूरी हवा निकाल दी और इसमें क्या कर दिया, वैक्यूम कर दिया पूरे ट्यूब में, ट्यूब में पूरा वैक्यूम कर दिया, ट्यूब में पूरा वैक्यूम कर दिया। तो बाहर का प्रेशर क्या करेगा भाई, एयर को अंदर भेजने की कोशिश करेगा, एयर को पुश करने की कोशिश करेगा अंदर, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। लेकिन तुम एयर को अंदर नहीं जाने देने का, उसको वैक्यूम ही रखने का। अब ये वैक्यूम के ट्यूब को उठाओ भाई, ये वैक्यूम ट्यूब को उठाओ और इसको ऐसे लिक्विड के अंदर डाल दो, ठीक है। ये जो आपकी वैक्यूम की ट्यूब है ना, और ये जो आपका लिक्विड है, यहाँ पे आपका लिक्विड है ठीक है, तो क्या करो इस ट्यूब को उठाओ, ठीक है, इस ट्यूब को उठाओ और ऐसे इधर डाल दो। जैसे आप इधर डालोगे इस ट्यूब को तो क्या होगा, तो क्या होगा कि एयर का जो प्रेशर है, एयर का प्रेशर इधर लग रहा है, ये प्रेशर क्या करेगा, इस लिक्विड को अंदर भेजेगा, इसके अंदर। तो लिक्विड ऐसे अंदर जाके ऐसे ऐसे यहां तक चला जाएगा। ये लिक्विड कितने हाइट तक जाएगा, ये लिक्विड उस हाइट तक ऊपर जाएगा जब तक इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर सेम नहीं हो जाता, क्योंकि सेम लेवल पे प्रेशर सेम होना चाहिए, ये बात याद रखो, सेम लेवल पे सेम प्रेशर होना चाहिए, सेम लेवल पे सेम प्रेशर होना चाहिए। तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर है और इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो सेम होना चाहिए। तो इस पॉइंट पे क्या प्रेशर होगा, ये लिक्विड का प्रेशर होगा ना, तो ये लिक्विड का प्रेशर क्या है, लिक्विड का प्रेशर आएगा रो जी एच, ये लिक्विड की डेंसिटी आएगी। और यहाँ पे किसका प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का, यहाँ पे प्रेशर पी नॉट, ये दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, दोनों को इक्वेट करो, पी नॉट इक्वल टू रो जी एच आ जाएगा। तो ऐसे तुम एटमॉस्फेयर का प्रेशर निकाल सकते हो, ऐसे तुम क्या कर सकते हो, एटमॉस्फेयर का प्रेशर निकाल सकते हो।
एटमॉस्फेयर का प्रेशर ऐसे निकालना होता है। अब इसमें लिक्विड कौन सा यूज करने का, जनरली क्या करते हैं अपन, सबसे हेवी लिक्विड यूज करते हैं। सबसे हेवी लिक्विड कौन सा है, मर्क्यूरी, क्योंकि हेवी होगा तो उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसका एच थोड़ा सा कम आएगा ना, हम चाहते हैं कि भाई एच थोड़ा सा कम आए। अरविंद इज आस्किंग मी सर हैव यू सीन हमीरपुर, बेटा हमीरपुर में जो कॉलेज है ना NIT हमीरपुर, वहाँ पे हम लैब के एक्सपेरिमेंट करने जाते थे वीकली सेकेंड ईयर में, सो आई नो हमीरपुर। क्या है बेटा हमीरपुर में अरविंद? सर वो वेंटिलेटर फ्लूइड मैकेनिज्म का ही एप्लीकेशन है। यस बेटा ओके, तो ये समझ में आ गया। मर्क्यूरी यूज करते हैं, आपको पता है मर्क्यूरी की डेंसिटी कितनी है? मर्क्यूरी की डेंसिटी है 13.6 × 10³ kg पर मीटर क्यूब। तो पता है आपको एटमॉस्फेयर के प्रेशर के हिसाब से मर्क्यूरी कॉलम की हाइट कितनी आती है? मर्क्यूरी कॉलम की हाइट आती है भैया 760 mm आती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मर्क्यूरी कॉलम की हाइट आती है 760 mm, समझे क्या? हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इज 760 mm एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। हाँ तो कभी कभी ना हमें प्रेशर, अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर एक्सप्लेन करना है, अगर हमें एटमॉस्फेयर का प्रेशर एक्सप्लेन करना है तो हम कभी कभी ये वाला टर्म भी यूज करते हैं, 760 mm यूज करो या फिर 76 cm। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको बोलते हैं बैरोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? बैरोमीटर। तो ये समझ में आ गया बैरोमीटर कैसे काम करता है, बैरोमीटर का वर्किंग समझ में आ गया। अभी आते हैं भाई मैनोमीटर पे। मैं थ्योरेटिकल रिवीजन करवा रहा हूँ पहले, हाँ प्रॉब्लम्स भी करेंगे डोंट वरी। मैनोमीटर जो होता है ना वो गैसेस का इसका प्रेशर यूज करने के लिए लैब में यूज किया जाता है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल उसको ऐसे यूज करेंगे, इसके अंदर कोई भी फ्लूइड होना चाहिए, हो सकता है, जरूरी नहीं कि इसके अंदर मर्क्यूरी हो, कोई भी फ्लूइड हो सकता है इसके अंदर। लेट अस से ये गैस है और गैस का ये प्रेशर है, इधर प्रेशर लगेगा इधर प्रेशर लगेगा, और इसके अंदर एक लिक्विड है जो पिंक कलर में मैं दिखा रहा हूं, ठीक है? इसके अंदर एक लिक्विड है, लिक्विड कोई भी हो सकता है, कलरफुल लिक्विड ताकि वो कांच से दिखाई दे, ये लिक्विड है आपका अंदर। अब देखो इस लेवल पे लिक्विड की ये हाइट कितनी है, एच। अब आपको तो पता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सेम लेवल पे सेम होता है, सेम हाइट पे सेम प्रेशर होता है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वही प्रेशर यहाँ पर भी होगा। तो गैस का प्रेशर कितना है, पी ए। तो गैस का प्रेशर पी ए इज इक्वल टू इस पॉइंट का प्रेशर आएगा पी, तो इस पॉइंट का प्रेशर क्या आएगा, रो जी एच। तो रो इसकी डेंसिटी है, इसको बोलते हैं भाई मैनोमीटर, मैनोमीटर। तो आपको बैरोमीटर समझ में आ गया, ठीक है, और आपको मैनोमीटर समझ में आ गया। ये थोड़ा सा खड़बड़ित दिखता ना, ये स्क्रीन ची कैप्चर जो है ना ते ऑल पिक्सल्स कैप्चर करत नाही एकदम परफेक्टली, त्याच्यामुळे ते थोडंसं खडबडीत दिसतंय बघा। लेट मी चेक मी याला याचं करेक्शन कसं करू शकतो, ठीक आहे, काय करता येईल मी बघतो त्याला। ओके तो ये समझ में आ गया तुम लोगों को, ओके ये हो गया मैनोमीटर। तो मैंने थ्योरेटिकली अभी ये सारे पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिए, कौन से ये वाले, आई एक्सप्लेन टू यू दिस मच, पास्कल्स लॉ, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, बैरोमीटर एंड मैनोमीटर। अभी देखो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अभी आपने को एग्जांपल करने गए तो सब लोग ध्यान दो, या तो आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक 5-10 मिनट में कुछ क्वेश्चंस लेंगे फिर अपन रैप अप करेंगे, ओके। देखो एग्जाम में इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि
ऐसा आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट देंगे और बताएंगे, पूछेंगे कि अगर अगर इसका एरिया 5 मीटर स्क्वायर है और इसका एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बोलेंगे फाइंड एफ रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 500 केजी। यहां से आपको 500 केजी का बॉक्स ऐसे उठाना है। तो आपको अगर ये 500 केजी का ऊपर उठाना है तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? चलो फाइंड करो, आई डोंट थिंक इसको ज्यादा टाइम लगेगा। इसका भी एरिया दिया है और इसका भी एरिया दिया है, इजी क्वेश्चन है। चलो, यू डोंट नीड मोर देन 30 सेकेंड्स फॉर दिस। 30 सेकेंड काफी है। अपन ऐसे ही रिवीजन करेंगे, एकदम फास्ट क्विक, तो 4 दिन में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। ऐसे करेंगे फास्ट, तो 4 दिन में नहीं पूरा होगा, यूं समझ लो कि 4 दिन में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा और 4 दिन प्रैक्टिस के लिए लगेंगे। ठीक से कैलकुलेशन करो, विनय या सारंग दोनों में से कोई तो भी एक गलत है। लक्ष्मी प्रसाद, लक्ष्मी दुबे एंड प्रसाद जुंदार है, तुम्हें दोगाने पर तेज 22 22 आंसर दिया। ओके, 20 न्यूटन की मेजोरिटी दिख रही है मेरे को, 20 न्यूटन वालों की। देखो, F1 upon A1 = F2 upon A2, तो F1 कितना है वो निकालने का है। A1 upon A2 into F2, A1 कितना है? A1 है 200 सेंटीमीटर, मतलब तो मीटर स्क्वायर में करना पड़ेगा। A2 कितना है? 5। और F2 कितना निकाला? 500 केजी ना, तो 500 × 10 mg लेना पड़ेगा भाई। देखो कितना आता है कैलकुलेशन, 200 को 5 डिवाइड करो, 40 × 10⁻⁴, और ये 5 × 10�³ आएगा, ये 0 × 10⁻⁴ × 10⁴ हो जाएगा, 20 न्यूटन आता है भाई। आपको 20 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा 500 किलोग्राम उठाने के लिए। आप सोचो 500 किलो उठाने के लिए कितना फोर्स लगाने का, बस 20 न्यूटन, कुछ भी नहीं है 20 न्यूटन को, समझ रहे हो? तो हाइड्रोलिक लिफ्ट ऐसे काम करती है। ये हो गया हाइड्रोलिक लिफ्ट का। अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो कंसिडर 3 वेसल्स, 3 वेसल कंसिडर करो, एक ये, एक ये, ठीक है, और एक ये, ये 3 वेसल दिख रही है, तीनों में लिक्विड भरा हुआ है, तीनों में लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, सेम लेवल पे, तीनों में लिक्विड भरा हुआ है। और क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे, प्रेशर एट द बॉटम, यहां पे पी ए, यहां पे पी बी, यहां पे पी सी, ठीक है, और आपको ऑप्शन देंगे ऐसे, विच इज द करेक्ट ऑप्शन, पी ए मोर देन पी बी मोर देन पी सी, बी ऑप्शन, पी सी मोर देन पी बी मोर देन पी ए, थर्ड ऑप्शन, पी ए इक्वल टू पी सी बट मोर देन पी बी, एंड लास्ट ऑप्शन, पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी। चलो, आपका मन बनाने के लिए मैं आपको दे रहा हूं 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड काफी मुझे लगता है इस क्वेश्चन के लिए। विच इज द करेक्ट आंसर,
तीन वेसल्स है, तो तीनों के लिए करेक्ट आंसर क्या है? यस प्रियाल, प्रेशर डिपेंड्स ओनली अपॉन द हाइट, प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो ये जो हाइट है ये हाइट तीनों में सेम है ना, पर क्योंकि हाइट सेम है तो भैया हाइट सेम है तो प्रेशर हर एक के सेम आएगा, तो ये करेक्ट आंसर है। सही बोले आप लोग, ये करेक्ट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। चलो एक एच सी वर्मा का क्वेश्चन लेता हूं मैं। एच सी वर्मा के क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, मतलब एग्जैक्ट सेम टू सेम नहीं, लेकिन उसके बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है। कंसिडर वेसल शोन इन फिगर दैट हैज बॉटम सरफेस एरिया, बॉटम सरफेस एरिया इक्वल टू, बॉटम सरफेस एरिया इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। बॉटम सरफेस एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, अमाउंट ऑफ वाटर इन इट इज 120 ग्राम। फाइंड, अब देखो आपको क्या फाइंड करना है। मैं आपको वेसल की डायग्राम ड्रॉ करके बताऊं, फिर मैं आपको बोलता हूं फाइंड क्या करना है। फाइंड फोर्स ऑन द बॉटम सरफेस, ऑन द बॉटम सरफेस ऑफ वेसल, ठीक है, ये पहली चीज आपको फाइंड करनी है। सेकेंड फोर्स ड्यू टू साइड्स ऑफ द वेसल, वेसल के साइड की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। और वेसल मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे ऐसी है, ये देखो। चलो सॉल्व करो इसको। इसकी हाइट दी है मैंने आपको, इसका एरिया भी दिया है। कंसिडर द वेसल शोन इन द फिगर दैट हैज बॉटम सरफेस एरिया। और एक और चीज आपको फाइंड करनी है, वो भी मैं बोलता हूं, पहले आप ये दोनों चीजें फाइंड कर लो। डेंसिटी वाटर की मैं दे देता हूं आपको, वाटर की डेंसिटी मैं आपको दे देता हूं। वाटर की डेंसिटी आपको पता है 10 to the power 3 kg per meter cube होती है, ये वाटर की डेंसिटी है। क्वेश्चन आपके सामने, एक्सक्यूज माई हैंड राइटिंग, ये आईपैड पे हैंड राइटिंग इतनी खास नहीं आ रही, वैसे वैसे भी मेरी हैंड राइटिंग इतनी भी खास नहीं है। ओके यू कैन रीड इट। ओके चलो, एक मिनट दे रहा हूं मैं आपको, सोचो भाई। Everything that kills me makes me feel alive. I've been losing feeling, living about all the things. प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप, करेक्ट है, करेक्ट है। और किसका आंसर, किसी का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट। कंसिडर द वेसल शोन इन द फिगर दैट हैज बॉटम सरफेस एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, अमाउंट ऑफ वाटर इन इट इज 120 ग्राम, उसमें 120 ग्राम वाटर है। फाइंड द फोर्स ऑन द बॉटम सर्फेस ऑफ वेसल एंड फोर्स ड्यू टू साइड्स ऑफ द वेसल, फोर्स ऑन द साइड्स ऑफ द वेसल। भाई टाइम खत्म हो गया भैया। अब चलो मैं आपको आंसर बोल देता हूं, इसका आंसर क्या आएगा पता है? इसका आंसर कुछ ऐसे आएगा, मैं बोलता हूं देखो। इसमें क्या है, इसमें लिक्विड है,
पूरे हाइट में भरा हुआ है। ठीक है, तुम सबसे पहले ना यहाँ का प्रेशर फाइंड करो। प्रेशर, ये प्रेशर कितना आएगा, रो जी एच। रो कितना है, 10^3 kg/m³। जी कितना है, 10। एच कितना है, 20 सेंटीमीटर। 20 × 10^-2 m³। सारे SI में लिए मैंने, देख लो भाई, सारे यूनिट्स SI में लिए मैंने। तो कितना आता भैया ये, 10^ चेक कर लो यार, 10^3 kg/m³। जी हाँ, और हाइट मैंने सेंटीमीटर के लिए मीटर में की क्या, 0.2। तो 0.2 × 10 × 10^3, मैंने सही बोला था ना, 2 × 10^3। कोई गलत तो नहीं कर रहा मैं, एम आई मेकिंग एनी मिस्टेक समवेयर? अरे मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं मिस्टेक कर रहा हूँ? वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, बराबर है 1000 kg/m³। हाइट 20 सेंटीमीटर लिया, तुम लोगों को मेरे जैसी दिक्कत हुई क्या, इसलिए आंसर नहीं आया? तो इतना आएगा ये 2000। अरे नहीं, बराबर है, बराबर है, क्या सोच रहा हूँ यार, मैं सही कर रहा हूँ। ओके, नहीं, सही है, सब कुछ सही कर रहा हूँ मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, सब सही है। ये देखो, ये आ गया प्रेशर। एक बार तुम्हारा प्रेशर आ गया तो इसके ऊपर लगने वाला तुमको फोर्स फाइंड करना है ना, तो फोर्स फाइंड करने के लिए तुम प्रेशर इंटू एरिया कर दो। प्रेशर कितना है, 2000 पास्कल, और एरिया कितना दिया है इसका, देखो उसका सरफेस एरिया दिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 × 10^-4 m², ये हो जाएगा। ये 1, 2, 3 0 गए, 10^-4 गया, तो 10^-1 बचेगा, 5 × 2 = 10, 10 × 10^-1 1 न्यूटन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 1 न्यूटन। सही किया था मैंने, बिल्कुल सही है, 1 न्यूटन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 1 न्यूटन आएगा। ठीक है, अब रही बात कि ये जो साइड 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 वाली ये साइड, ये साइड से कितना फोर्स लग रहा है, ऐसे ये फोर्स तो समझ में आ गया, लेकिन ये साइड वाला फोर्स देखो, इमेजिन करो, F1 है, F2 है। अब टोटल पानी आपने कितना डाला है अंदर, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कितना है, 120 ग्राम, मतलब 0.12 kg। इसका वेट कितना होगा, mg, 0.1 × 10, मतलब 1.2 न्यूटन होगा ना, कितना होगा, 1.2 न्यूटन। लेकिन ये जो वेसल है इसका जो बॉटम है, ये बॉटम ऑलरेडी 1 न्यूटन लगा रहा है, और ये जो वाटर है, वाटर का वेट है डब्ल्यू डब्ल्यू इक्वल टू 1.2 न्यूटन। तो वाटर के वेट को बैलेंस करने के लिए 1 न्यूटन काफी नहीं है, तो जो बचा हुआ 0.2 न्यूटन है, वो साइड से लगेगा ना ऐसे। तो फोर्स अप्लाइड बाय द साइड्स, तो सेकंड ऑप्शन का आंसर क्या आएगा, 0.2 न्यूटन। समझे कि नहीं समझे? ओके, यशिका इज आस्किंग मी कि सर उसमें पी नॉट ऐड नहीं होता है क्या? नहीं होगा बेटा, नहीं, अगर तुमको नेट फोर्स निकालना है तो पी नॉट ऐड करो, नेट फोर्स। ड्यू टू वाटर निकालना है तो पी नॉट ऐड मत करो। तो मैंने सिर्फ ड्यू टू वाटर निकाला ना, तो इसलिए मैंने पी नॉट ऐड नहीं किया। तुमको नेट फोर्स पूछ लिया तो फिर पी नॉट ऐड करना पड़ेगा, यू आर राइट, पी नॉट ऐड करना पड़ेगा। लेकिन तुमने देखा होगा, एक्चुअली मेरे क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट ये था कि ड्यू टू वाटर पूछा था मैंने, फोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द वेसल्स। ठीक है, मैंने ड्यू टू वाटर बोला नहीं यहाँ पे, लेकिन मुझे मेंशन करना चाहिए वैसे, ड्यू टू वाटर एंड फोर्स ऑन द साइड ड्यू टू वाटर। ड्यू टू वाटर बोला तो एटमोसफियर का प्रेशर ऐड नहीं करने का। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, थर्ड क्वेश्चन मैं बोलता हूं आपको, देखो, क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड लाइक दिस, लाइक वॉट, लाइक दिस। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो, ये टेबल है और ये वेसल टेबल पे रखा हुआ है, ओके,
व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द टेबल, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन द टेबल, टेबल पे नॉर्मल रिएक्शन कितनी लगेगी, टेबल की नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालोगे। रियाज इज सेइंग फ्लूइड पर भी टेस्ट होगा, रखेंगे बेटा एक बार रिवीजन कंप्लीट होने दो, टेस्ट रखेंगे। फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द टेबल, अब टेबल पे नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालोगे आप। अब देखो इसका जो वेट है वो पूरा लेना पड़ेगा आप, यहाँ पे इसका वेट कितना लगता है, W इक्वल टू 1.2 न्यूटन, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे आएगी 1.2 न्यूटन, अगर नॉर्मल रिएक्शन पूछ ली तो। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो ऐसा एक क्वेश्चन आपको HCV में मिलेगा। अब एक काम करो, HCV के पहले 10-12 क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, आपको आ जाएंगे, ठीक है, कोशिश करोगे आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज रिवीजन अच्छा हुआ, आज जो टॉपिक हमें कवर करने थे वो टाइम पे कवर भी हो गए, और थोड़े से इसमें 2-3 क्वेश्चन भी हो गए उसके साथ साथ। ऐसे ही मैं डेली 45 मिनट्स का रिवीजन लेक्चर लिया करूँगा, ज़्यादा खींचूंगा नहीं उसको, 45 मिनट्स, और बिल्कुल कंसेप्ट पे, कंसेप्ट उसके प्रॉब्लम कंसेप्ट, और आपका काम क्या है उसको रीड करना, ठीक है। और एक बार रिवीजन पूरी हो जाए फिर मैं इसके प्रॉब्लम्स करवाऊंगा आपसे, 2-3 दिन अच्छे से प्रॉब्लम्स करेंगे। सर आपला फिजिक्सचा सिलेबस कोणत्या मंथमध्ये संपेल, मी सांगितलं ना बेटा कालच सांगितलं, तू कालचं लेक्चर केलं नाही ना, लाईक 31 डिसेंबर सांगितलं होतं मी, 31 डिसेंबर, तो 31 डिसेंबर कोशिश करेंगे, नाही तो 15 जानेवारी तक जा सकता है, लेकिन 31 डिसेंबर तक हमारी पूरी कोशिश रहेगी। ओके अभी चलो क्या क्या हुआ अपना, चलो ये 4 टॉपिक हो गए अपने, ये कल अपन डिस्कस करेंगे, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसके एप्लीकेशन और उसके क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो कल का 45 मिनट्स में ये होगा, तो आज के लिए यही रुकते हैं फिर, गुड डे एवरीबॉडी, और शाम को मिलेंगे 9 बजे, अपना एम्पियर्स लॉ चल रहा है तो वो अपन करने वाले, ठीक है, ओके, यस अशोक विल डिस्कस दैट, ओके, चलो गुड डे एवरीवन, पढ़ाई करते रहो और लेक्चर अटेंड करते रहो, एंड स्टे सेफ, स्टे इनडोर, ओके। डाउट सेशन के लिए अभी अलग से टाइम लेना पड़ेगा प्रियाल, तो हो सके तो मैं रात को डाउट सेशन लेने की कोशिश करता हूँ, या फिर कोई अलग से टाइम आपको देता हूँ, ओके। यस संजय, इसके बाद थर्मो लेने की कोशिश करूंगा मैं, एक रेडिएशन का पार्ट है ना वो भी तो कवर करना है अपने को, तो वो कवर करके करेंगे ना, ओके चलो। वैष्णवी सेइंग संडे के टेस्ट में फ्लूइड्स भी ऐड करो, चलो इस बार के संडे के टेस्ट में फ्लूइड मैकेनिक्स भी आएगा, वैष्णवी गुड सजेशन, इस बार के संडे के टेस्ट में फ्लूइड मैकेनिक्स भी आएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स के 20 क्वेश्चन तो मैं डाल दूंगा, 45 में से 15-20 क्वेश्चन फ्लूइड के डालेंगे, बाकी के 25-30 क्वेश्चन अपने रेगुलर के होंगे, ठीक है, चलो गुड डे।